सरकार के 1000 और 500 रुपए के नोटों पर अचानक पाबंदी से लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी मुद्दे पर जनता से रूबरू हुई हमारी न्यूज फर्स्ट की टीम, आइए देखते हैं ये विशेष। आप यहाँ पे कभी से आए हुए? और मैं अभी समझो सुबह से ही मतलब लाइन में खड़ा किया था, मगर अभी आया हूँ मैं, मेरा नंबर आने के बाद में। तो आपको कितने घंटे लगे यहाँ पे लाइन में? अभी तो मुझे कम से कम 2-3 घंटा चले गया मुझे। इसके बारे में आपको क्या कहना है? जो ये सिवा तकलीफ के और कुछ नहीं है मेरे को, खाली तकलीफ ही तकलीफ है और कुछ नहीं है। कुछ मतलब इसका फायदा तो है ही नहीं मेरे को सिवा तकलीफ के। पहाड़ पे से ऊपर चढ़ के उतर के आना मेरे को भी तकलीफ हो रही है ना, इतना तकलीफ। ये अनाउंसमेंट करने वाले पहले अगर 4-6 महीना किसी को पब्लिक को बता देते कि ये चीज़ की प्रॉब्लम होने वाली है तो पब्लिक अपना फैसिलिटी खुद कर लेती थी, मगर इसके बारे में कोई मतलब ही नहीं है ये लोगों ने किया। जो सुरेश नगर में विजय बैंक है, यहाँ पे लोगों को बहुत पब्लिक को यहाँ पे मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, और हम यहाँ पे जानते हैं पब्लिक से क्या। कल आप कभी से यहाँ पे खड़े? सुबह 8 बजे से, मेरे हस्बैंड को भेजी थी सुबह 8 बजे से मेरे हस्बैंड को भेजी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और बाद में मैं 11 बजे से आई हूँ। और मुझे लगता है कि ये सिस्टम इतना गलत है, और 2 बजे भी बैंक बंद हो जाएंगे, अब क्या करेंगे? कितनी औरतें जो सैटरडे तक के उनके बच्चे ट्यूशन स्कूल वाले, वो तमाम बच्चों की ट्यूशन स्कूल गई, लेकिन उनको वापस 2 बजे वापस जाना पड़ा। ये सिस्टम नहीं है। हाँ, मैनेजर अंदर काम कर रहे होंगे, क्योंकि अंदर तो हमने एंट्री नहीं किए, काम कर रहे हैं, लेकिन उनका सिस्टम कुछ ठीक नहीं है। सिस्टम बिल्कुल हमें अच्छा नहीं लगा, सिर्फ थोड़ी इतनी हेल्प किया कि पानी और बिस्किट बांटे, लेकिन उससे कुछ मतलब नहीं आ रहा है ना, उससे क्या मतलब आ रहा, उससे कोई मसला नहीं हल हो रहा। देखो कितनी प्रेग्नेंट औरत है, मुझ जैसी कितनी सीनियर औरतें हैं यहाँ पे, कितने सीनियर मर्द हैं, कितने अपाहिज लोग हैं, उसके लिए कुछ भी इंतज़ाम नहीं हुआ है, क्या करेंगे उसके लिए? अभी हम लोग बहुत परेशान हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ पे एक दो तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ ख़त्म ही होने वाले। सर, आप यहाँ के सोशल वर्कर हैं, लोगों को जो यहाँ पे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? दरअसल आज आप देख रहे हैं, आपने कवर भी किया है लोगों की तकलीफ को, आपने बहुत से लोगों से गुफ्तगू की है, ये उनका दर्द है जो उन्होंने बताया। लोग 2-2, 3-3 दिन से बैंक में आ रहे हैं और किसी भी किस्म की सुविधा उनको नहीं मिल रही है। बैंक के लोग मेहनत से काम करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बैंक मैनेजमेंट का जो सिस्टम है वो उसको मुनासिब नहीं लग रहा है, जबकि उनको चाहिए था कि एक लाइन पैसे जमा करने वाले की होती, एक लाइन पैसा बदलने वाले की होती, और एक चेक विड्रॉल के लिए होती, तो एक बहुत सहूलत मिलती। आज बैंक का मैनेजर गायब है, बैंक के लोग, जबकि पूरे बॉम्बे में रात के 8-8 बजे तक बैंक खुला हुआ है पब्लिक के लिए, लेकिन यह 2-3 बजे बैंक बंद कर दिया जाता है 2 बजे, और अपना स्टाफ का काम अंदर 8-10 बजे तक करते हैं। आप मुझे बताइए कि क्या होगा? आप क्राउड देख रहे हैं, रोज़ाना इससे ज़्यादा क्राउड होता है, और बच्चे माएँ अपने घर बार छोड़ कर आ रही हैं, छोटे बच्चे घर में पड़े हुए हैं, उनके शौहर लाइन लगा के खड़े हुए हैं, औरतें अलग लाइन लगा के खड़ी हुई, क्या करें? इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पर एक सुविधा करें। बैंक मैनेजर के पास उनकी अपनी सिक्योरिटी नहीं है, पुलिस चुनाबट्टी पुलिस स्टेशन जो बेहतर करना कर रही है, सपोर्ट कर रही है, लेकिन बैंक मैनेजर की भी जिम्मेदारी है कि उनसे कोऑपरेट करे और उनके साथ लाइन ऑफ एक्शन तय करके एक प्लान बनाए, ताकि सिक्योरिटी को भी प्रॉब्लम ना हो, लोगों को भी असुविधा ना हो, और लोगों को पैसा मिलने में आसानी हो। मैं रिपोर्टर मोहम्मद हलीम खान, कैमरामैन योगेश राशन के साथ न्यूज़ फर्स्ट मुंबई।